सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ताहबेक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताहबेक ऑफिशियल टीवी। तो दोस्तों, MIUI 13 की न्यू अपडेट फाइनली लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान में। अब इस अपडेट में आप लोगों को कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं, आज की इस वीडियो में आपको मैं तमाम फीचर्स बताऊँगा कि कौन कौन से फीचर्स आपको इस अपडेट में न्यू देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करेगा। और इस वीडियो को दोस्तों हम लोग एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। अब करते हैं दोस्तों वीडियो को शुरू। अब बात करते हैं दोस्तों इस अपडेट का। तो मेरे पास Xiaomi का Redmi Note 10 फ़ोन है। अब उस फोन में आप लोगों को इस न्यू अपडेट में कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो फीचर्स आपको देखने को मिलता है, वो यहाँ से हम अबाउट फोन में आ जाते हैं। तो यहाँ देख लें, आपको यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट कर इस फ़ोन को कर दिया गया है इस अपडेट के बाद। अब बात करते हैं दोस्तों, इस अपडेट में आप लोगों को जो फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सिक्योरिटी स्टेटस देखने को मिलता है, जो कि पहले आप देख सकते हैं यहाँ तीन ऑप्शन शो होते थे, लेकिन गूगल प्ले सिस्टम अपडेट का न्यू ऑप्शन इन लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया है। अब दोस्तों, ये ऑप्शन जो ऐड किया है, इससे आपकी सिस्टम सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो गई है। और आप अपने यहाँ देख सकते हैं, योर डिवाइस नीड टू, ये मतलब मेरी डिवाइस को रिस्टार्ट करने के लिए मांग रहा है। तो इतनी ज़्यादा ये तीन ऑप्शन थे, ये एक ऑप्शन यहाँ इंक्रीज़ किया। अब बात करते हैं दूसरे फीचर की, वो है यहाँ पर दोस्तों वाईफाई वाला ऑप्शन। वाईफाई वाले ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर Xiaomi लिखा आता था, लेकिन अब यहाँ से Xiaomi हटा दिया, यहाँ वाईफाई लिखा हुआ आ रहा है। अब दूसरे फीचर की दोस्तों बात करते हैं, वो ये है कि VPN वाला ऑप्शन ये आपको देखने को मिल रहा है। पहले ये VPN वाला ऑप्शन आप लोगों को नहीं देखने को मिलता था। अब बात करते हैं कनेक्टिंग एंड शेयरिंग में। तो यहाँ पे कनेक्शन वाले ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे तमाम ऑप्शंस वही हैं, एक खाली ऑप्शन इंक्रीज़ किया, वो है एंड्रॉयड ऑटो का। यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो का यहाँ पर एक ऑप्शन इंक्रीज़ किया है कि आप कार मतलब ड्राइव करते हैं तो उसमें इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको वैसे ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ फुल ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन होता था, यहाँ पर ऑटो रोटेट का एक ऑप्शन इन लोगों ने यहाँ पर शो कर दिया है, फुल ऑटो रोटेट स्क्रीन का ऑप्शन हटा दिया है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर्स की, वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है डिस्प्ले का। डिस्प्ले में आप लोगों को मैंने फुल ऑटो रोटेशन का बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन का। तो नोटिफिकेशन आपको किस तरीके की देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्रोल सेंटर आपको न्यू वर्जन में कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। सही है दोस्तों, इस तरीके का कुछ आपको कंट्रोल वर्जन देखने को मिलता है। यहाँ पर देख लें, इस तरीके का आपको एक नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन की, वो है यहाँ पे थीम्स। थीम्स वाले ऑप्शन में देख लें, यहाँ पे दो थीम्स, यहाँ पे ऐसी थीम्स अपग्रेड करी गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों वॉलपेपर्स की। तो वॉलपेपर्स इसमें कमाल कमाल के दिए गए हैं, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर न्यू वॉलपेपर यहाँ पे अपग्रेड करें। बात करते हैं दोस्तों इस वाली अपडेट के अंदर आप लोगों को सेफ्टी एंड एमरजेंसी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि पहले किसी भी अपडेट में देखने को नहीं मिलता। MIUI 13 की 0.12.0 की अपडेट में ये ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऑप्शन के यूज़ क्या हैं दोस्तों, बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपका फ़ोन किसी भी मतलब एमरजेंसी में हो या गिर जाए, इस ऑप्शन को आपको ऑन रखना है। ऑन रखेंगे तो ट्रेसिंग आसानी से आपके फ़ोन की हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों एडिशनल सेटिंग, आपको उसी तरीके की मिलती है। यहाँ पर डिवॉल्वर ऑप्शन तो आप लोगों को उसी तरीके का देखने को मिलता है, तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ इंक्रीज़ नहीं करी। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेशल फीचर्स, तो स्पेशल फीचर्स में उसी तरीके के हैं आपके, कोई भी अपग्रेड नहीं किया। इस वाली अपडेट में जो अपग्रेड चीज़ करी है, वो सिक्योरिटी स्टेटस किया है, जिसमें नीचे यहाँ देख सकते हैं आप 1 नवंबर 2020 को ये न्यू ऑप्शन यहाँ पे इनेबल हो चुका है। अब वीडियो दोस्तों समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देगा मैं, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोज़ बनाते रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।